इस वीडियो में हम जानेंगे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है, इनको आप सिंपल वर्ड के अंदर ऐसे समझ सकते हैं। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों एक डॉक्यूमेंट हैं। डेबिट नोट किसी भी अकाउंट के बैलेंस को डेबिट करेगा, वहीं जो क्रेडिट नोट है वह किसी भी अकाउंट के अमाउंट को क्रेडिट करेगा। जब हम बिजी में आते हैं तो यहाँ पर हमको दो टाइप के ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें पहला है सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट, परचेज रिटर्न डेबिट नोट, वहीं दूसरा है डेबिट नोट विदाउट आइटम और क्रेडिट नोट विदाउट आइटम। पहले हम इन ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, उसके बाद जानेंगे कि इन ऑप्शन का क्या यूज़ होता है। सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट को ऐड करेंगे। यहाँ पर जैसे हमको इसके नाम से ही पता लग रहा है, सेल्स रिटर्न की जो हमने सेल करी थी वो हमारे पास रिटर्न आ रही है, तो उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। पहले एक बिल ओपन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक बिल है अंबिका वर्ल्ड, इसमें हमने हार्ड ड्राइव सेल करी 3500 के हिसाब से। इस बिल के अगेंस्ट हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे, डेट डालेंगे, वाउचर नंबर डालेंगे, वाउचर नंबर आप अपने हिसाब से डालेंगे, सेल टाइप सेलेक्ट करेंगे, पार्टी नेम डालेंगे। जिस बिल के अगेंस्ट हम क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं वो वाउचर नंबर हम यहां पर डाल देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ये वाउचर की डिटेल ऑटो पिक कर लेगा। जो गुड्स रिटर्न आए हैं उसकी डिटेल हम यहां पर डालेंगे, रेट हम वही डालेंगे जिस रेट पर हमने पहले बिलिंग करी थी, F2 प्रेस करेंगे, बिल सन्ड्री में आ जाएंगे, यहां पर F4 प्रेस करेंगे, टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। इस वाउचर को सेव करेंगे, जिस बिल के अगेंस्ट हमने क्रेडिट नोट इशू किया है उस बिल पर इस वाउचर को एडजस्ट करेंगे, और अगर उस बिल की पेमेंट आ चुकी है तो किसी दूसरे बिल पर इसको एडजस्ट कर देंगे। क्रेडिट नोट हमारा रेडी हो चुका है, इसका हम प्रीव्यू देख लेते हैं। ऐसे ही परचेज रिटर्न डेबिट नोट ऑप्शन भी काम करेगा। डेट डालेंगे, वाउचर नंबर डालेंगे, परचेज टाइप सेलेक्ट करेंगे और पार्टी नेम डालेंगे। जिस बिल के अगेंस्ट हम डेबिट नोट इशू कर रहे हैं उसका वाउचर नंबर हम यहां पर डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ये वाउचर की डिटेल ऑटो पिक कर लेगा। रिटर्न गुड्स की डिटेल यहां पर आ जाएगी, F2 प्रेस करेंगे, यहां पर F4 प्रेस करेंगे, टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, इस वाउचर को सेव कर देंगे। हमने समझ लिया कि इन ऑप्शन का यूज हमको कैसे करना है। अब समझते हैं कि इन ऑप्शन का यूज हम कैसे करेंगे। इन ऑप्शन का यूज हम तभी करेंगे जब हमको रेट डिफरेंस शो करना है। इसको यहां पर ऐड करते हैं, डेट डालेंगे, वाउचर नंबर डालेंगे। इसके बाद GST नेचर में हमको दो ऑप्शन दिए हैं, पहला है डेबिट नोट इश्यूड अगेंस्ट सेल और दूसरा है क्रेडिट नोट रिसीव्ड अगेंस्ट परचेज। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि डेबिट नोट हमेशा अमाउंट को डेबिट की तरफ बढ़ाएगा और क्रेडिट नोट क्रेडिट की तरफ बढ़ाएगा, इसके अंदर हमको कन्फ्यूज नहीं होना है। इसको आप ऐसे समझें जैसे फर्स्ट ऑप्शन है डेबिट नोट इशूड अगेंस्ट सेल, कोई आइटम है जिसका रेट है 1000 रुपीज, पर जब हमने उसकी बिलिंग करी तो वो गलती से हमने रेट लगा दिया 900 रुपये। अब जो 100 रुपये का डिफरेंस रह गया, इसको पूरा करने के लिए जब हम अपने कस्टमर को डेबिट नोट देंगे तो वो बैलेंस पूरा हो जाएगा। ऐसे ही क्रेडिट नोट रिसीव्ड अगेंस्ट परचेज, सेम आइटम का रेट हमारे वेंडर ने हमको रेट लगा के दिया 1100 रुपये, जबकि उसका रेट था 1000 रुपये। इस अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए हम एंट्री पास करेंगे डेबिट नोट के अंदर, वहीं जो हमारा वेंडर होगा वो हमको इशू करेगा क्रेडिट नोट। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा।
अब एंट्री कैसे पास करेंगे वो समझते हैं। हम डेबिट नोट इशू कर रहे हैं परचेज के अगेंस्ट, डेबिट करेंगे वेंडर के अकाउंट को विद टैक्स अमाउंट, क्रेडिट करेंगे परचेज अकाउंट को, इसको हम टैक्सेबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। अब क्योंकि हमारे वेंडर ये लोकल के हैं तो इसलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे CGST इनपुट और SGST इनपुट अकाउंट को, इनको भी हम क्रेडिट कर देंगे। इसको सेव करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एडजस्टमेंट के लिए एक विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले हमको यहाँ पर बताना है रीज़न कि किस रीज़न की वजह से हम यहाँ पर डेबिट नोट इशू कर रहे हैं। रीज़न आप अपने सिचुएशन के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जिस बिल के अगेंस्ट हम डेबिट नोट इशू करेंगे उस बिल का ओरिजिनल नंबर हम यहाँ पर डालेंगे। डेट यहाँ पर ये वाउचर के हिसाब से ऑटो पिक कर लेगा। हम यहाँ पर HSN डालेंगे उस सिलेक्टेड आइटम का, टैक्स रेट डालेंगे। इसके बाद ITC एलिजिबिलिटी के अंदर इनपुट गुड्स हम सिलेक्ट कर लेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हमारी हो जाएगी रजिस्टर्ड। F2 प्रेस कर इसको सेव कर लेंगे। सेम ऐसे ही हम एंट्री पास करेंगे क्रेडिट नोट में, डेट डालेंगे, वाउचर नंबर डालेंगे, GST नेचर सिलेक्ट करेंगे, पार्टी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सेल्स हमारी डेबिट हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लेजर सिलेक्ट करेंगे CGST आउटपुट, SGST आउटपुट, इसको सेव करेंगे। एडजस्टमेंट वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले हम रीजन सिलेक्ट करेंगे, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर बताएंगे, HSN डालेंगे, लास्ट में आकर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, F2 प्रेस करके इसको सेव कर देंगे। इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ऑप्शन का यूज किया जाता है। आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी जितनी भी क्वेरी थी वो रिजॉल्व हुई होंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।